और यह हमारे सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दहेज प्रथा होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि दहेज एक जब किसी लड़की का विवाह होता है तो एक विवाह के लिए एक वर पक्ष एक वधु पक्ष का होना अनिवार्य है। किसी भी विवाह के लिए एक वर पक्ष होता है एक वधु पक्ष होता है। तो जो वधु पक्ष होता है अर्थात लड़की लड़की के जो माता पिता होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से अर्थात इसमें बस लड़की के माता पिता अपनी लड़की के लिए विवाह के दौरान अपनी इच्छा से स्वेच्छा से स्नेह बस जो कुछ दान स्वरूप या उपहार स्वरूप जो भेंट करते हैं लड़की के लिए अर्थात विवाह के समय जब लड़की के लिए वो कुछ देते हैं तो वह दहेज कहलाता है। जैसे जो अपनी इच्छा से दिया जा रहा है तो क्या कहते हैं दहेज। लेकिन अगर बात करते हैं इसके विपरीत एक होता है दहेज और एक होता है बरमूल। सामान्यतः तौर पर लोग ये समझते हैं कि जो दहेज है और बरमूल है दोनों एक ही बात है। लेकिन वास्तविकता में यह नहीं है। दोनों में ही पर्याप्त अंतर है। अंतर क्या हुआ देखिए दहेज हम आपको बता चुके हैं। दहेज वह चीज है जो लड़की के माता पिता यानी वधु के माता पिता अपनी इच्छा से प्रेम बस स्नेह बस अपनी स्वेच्छा से जो विवाह के दौरान अपनी लड़की के लिए देते हैं वह कहलाता है दहेज। लेकिन बरमूल क्या होता है। बरमूल का मतलब होता है कि जिसमें वर पक्ष वाले व्यक्ति जो है लड़के पक्ष को जो व्यक्ति है वो विवाह से पूर्व धन के रूप में जो डिमांड करते हैं जो मांग करते हैं अर्थात आपने देखा होगा कि आज के समय में जैसे कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है अच्छी जॉब में है तो उसमें जब वह जॉब में है तो जब उसमें विवाह से जो रिश्ता जाता है तो पहले पैसों की डिमांड आपने देखा होगा तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि पहले पैसों की डिमांड की जाती है अर्थात इंजीनियर है तो उसका अलग रेट है डॉक्टर है तो उसका अलग रेट है। इस प्रकार से जिस पद पर व्यक्ति है उसके पद के हिसाब से उसको जो रुपया पैसा जो भी है उसको दिया जाता है और जो उसकी मांग के अनुसार सक्षम होगा देने में उसको ही वहाँ पे विवाह की प्रक्रिया है जो सक्षम होगा या 10 लाख या 20 लाख जितनी भी डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा करने में जो व्यक्ति सक्षम होगा उसकी लड़की का विवाह ही उस लड़की के साथ होगा। और इसके अलावा वह जो डिमांड है जो वर मूल है वह उस विवाह के पूर्व एक शर्त के रूप में उस लड़के के परिवार वालों को देना पड़ता है उस लड़के को देना पड़ता है तभी वह विवाह की जो क्रिया है वो संपन्न होगी। तो आप समझ गए होंगे कि दहेज प्रथा और वर मूल प्रथा दोनों ही अंतर है। दहेज में प्रेम पद स्नेह पद दिया जाता है कोई भी धन कोई भी रुपया कोई भी पैसा कोई भी उपहार स्नेह पद दिया जाता है परंतु उसके विपरीत जो वर्मूल है उसमें यह स्नेह बस ना देकर के एक मांग के रूप में डिमांड शर्त के रूप में दिया जाता है और उसको विवाह के पूर्व देना आवश्यक है तभी वह विवाह संपन्न हो पाए। तो दहेज में और वर्मूल में ये सामान्य अंतर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि कई ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं कि जो दहेज का दहेज को प्रभावित करती है अर्थात व्यक्ति को प्रभावित करती है। सॉरी जो परिवार होते हैं विवाह के होते हैं उसमें अगर इस प्रकार की जो डिमांड है जिस विवाह के पूर्व और विवाह के बाद अगर निरंतर चलती रहती है तो ऐसी स्थिति में जो लड़की है उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कठिन संघर्ष करना पड़ता है परिवार में। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कार्य लड़कियां कर लेती हैं सुसाइड कर लेती हैं और भी कई इस तरीके से अपने आप को एक तरीके से उनका जो जीवन है उनको वो व्यर्थ करने लगता है।
ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि दहेज उत्पत्ति होती कैसे, दहेज की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो जीवन साथी है उसको चुनने के लिए सीमित क्षेत्र रहता है, अर्थात नॉर्मली ये वधु के जो माता पिता है यह प्रयास करते हैं कि उनकी लड़की का विवाह उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के आसपास ऐसी जगह हो जाए जहाँ से वो परिचित न हो, जानते पहचानते हो और जहाँ आसानी से आ जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हमें सीमित क्षेत्र मिलेगा तो हमें उसमें कुछ चीजों को दरकिनार करना पड़ता है, अर्थात कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए विवाह को मंजूरी देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बाल विवाह में, बाल विवाह के कारण भी लड़के लड़कियों को स्वयं अपने जीवन साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता है और लड़के का पिता अपने लाभ के लिए दहेज या बद मूल्य को मांगता है। जब कम उम्र में विवाह हुआ तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा विवाह के लिए लड़के ढूंढने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो विवाह होता है उसके पहले यह शर्त हो जाती है और जो बद मूल्य है या जो दहेज है वह उनको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं इस स्थिति में उत्पन्न होती है जो कि मानव जीवन को हमारे समाज को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कुलीन विवाह, कुलीन विवाह के कारण उचित रूप से जन्म की अत्यधिक कमी है और उचित वर्तमान के लिए अधिक से अधिक मूल्य देने को लड़की वाले बात होते हैं। जैसे कुलीन विवाह में उच्च वर्ग वाले जो व्यक्ति है उसमें क्या होता है, लड़के लड़कों की जो अत्यधिक कमी होती है, अर्थात लड़के बहुत कम उच्च परिवार में ऐसे देखने को मिलते हैं जो योग हो, लेकिन इसके विपरीत आज कहीं भी इसके अपोजिट परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी भी लड़के की अगर कमी है, योग के लड़कों की कमी है, तो प्रत्येक लड़की के माता पिता चाहते हैं उसको एक अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले और अच्छे लड़कों की कमी के कारण उनको अच्छा लड़का जब नियुक्त करना पड़ता है तो यह जिसका प्रभाव देश में देखने को मिल रहा है और इससे कई भयानक समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो यह हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या है क्योंकि इस समस्या के कारण व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति का जो परिवार है, समाज है, वह काफी प्रभावित होता है। तो आज के लिए हम बताइए कि इसके बारे में बहुत ही Thank you.